डंडे टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम है विशाल। आज महीना का दूसरा सोमवार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने जनता दरबार में तमाम लोगों से रूबरू हो रहे हैं जो अलग अलग बिहार के जिलों से आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के, और उनकी समस्या को सुन करके समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तमाम अधिकारियों को वो बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी लोग अपनी शिकायत को लेकर के आए हैं उनको दूर किया जाए। और हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं जो अलग अलग बिहार के ज़िलों से आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि नीतीश कुमार अपनी जनता दरबार के द्वारा बिहार के लोगों को किस तरह से समस्या को दूर कर रहे हैं। एक अच्छी पहल है जो नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है कि लोगों की समस्या को खुद सुनते हैं, फिर जो अधिकृत विभाग है उसको, अधिकारी है उसको इस समस्या के बारे में बताते हैं और वो जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपका मैं नाम जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मैं नंदलाल कुमार मुजफ्फरपुर मोतीपुर से आया हूँ, और मैं अभी नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में मिला हूँ। बड़ा अच्छा, बढ़िया रिस्पांस रहा। जो भी मैंने क्लेम किया था उस पर उन्होंने बातचीत किया है, अपने वरीय पदाधिकारी से उन्होंने बात किया है। एक्चुअली मैं आंगनवाड़ी की शिकायत से आया था, मेरी पत्नी एक साल से जॉब कर रही थी और DPO के द्वारा 26/10/19 का आवेदन था उनका, लेकिन उसको 20 करके DPO ललिता कुमारी के द्वारा उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जिसके कारण हम लोग मरमाहत हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहाली होती है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जांच में कोई गड़बड़ी हो तो फिर उसका निरस्तीकरण होना चाहिए, जो मैंने अभी मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखा। उन्होंने एट ए टाइम फ़ोन किया और उस विभाग के लोगों से बात किया कि एक उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए, जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और एक रोष मुझे ये है कि आंगनवाड़ी जो बाल विकास परियोजना चलता है उसमें पोषाहार के रूप में हर मंथ जो सरकार के द्वारा पैसे आता है उसमें से 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ से DPO के द्वारा लिया जाता है, जो एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये बच्चों के विकास के लिए आता है, उनके मुँह में ये राशि, जो बच्चे दूध मुहा है उनके दूध के लिए पैसे आता है, पोषण के लिए आता है, उससे पैसे लेकर अगर CDPO मिली भगत करती है जो बहुत ही गलत बात है। इस पर मैंने मुद्दा उठाया था मुख्यमंत्री जी के सामने, तो उन्होंने DM प्रणव कुमार जी से भी बात किया, जो मेरा मुद्दा अभी चल रहा है उनके यहाँ। तो मुझे अच्छा लगा इनसे मिल, और मुझे आशा है कि मुझे आगे कुछ न्याय मिलेगा। आपने नाम क्या बताया था सर? मैं नंदलाल कुमार। नंदलाल जी, ये बताइए कि कब आपने जनता दरबार के लिए आवेदन किया था? मैं विगत दो महीना पहले किया था, डेट तो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन 2 महीना हो गया, तो मैं उनका वेट कर रहा था कि कब मुझे रिस्पांस मिलेगा और मुझे आवेदन की। आखिर आपको रिस्पांस मिला, जिला अधिकारी के द्वारा रिस्पांस दिया गया आपको? जी, जिला द्वारा गाड़ी से लाया गया, नाश्ता खाने पीने की व्यवस्था भी, और जिले के द्वारा ही हम लोग वहाँ जाएंगे अपने ज़िले में और गाड़ी के द्वारा छोड़ा जाएगा। जो इतनी सारी व्यवस्थाएँ की है सरकार के द्वारा कि आप एक बस शिकायत कीजिए, आपकी शिकायत को सुनने के लिए आपको जिला से लाया जाएगा खुद सरकार के गाड़ी द्वारा, जो उनका फिर खास करके खाना भी दिया जाएगा और नाश्ता भी दिया जा रहा है। हाँ, सुबह मैंने 6:30 में मुजफ्फरपुर संग्रहालय पहुंचा तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिला था और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा गाड़ी की व्यवस्था थी, जिसमें जितने लोग थे उनको लाया गया है, जनता दरबार में मिल चुके हैं हम लोग, और अच्छे गाड़ी से लाया गया है, और फिर उसी गाड़ी से हम लोग को जिला में छोड़ा जाएगा, फिर हम घर लौटेंगे। इसलिए जनता दरबार जो लग रहा है काफ़ी लोगों के हित के लिए काम किया जा रहा है और रिस्पांस भी आ रहा है। जैसा मैंने शिकायत किया है तो नीतीश जी का रिस्पांस अच्छा लगा है, मुझे उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा है। तो जिस तरह से आपने बताया कि लग्जरियस गाड़ी इनोवा से लाया जा रहा है कि एक फरियादी जो शिकायत करते हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग तहसील से, अलग अलग प्रखंडों से, उनको शिकायत निवारण के लिए सरकार जब लाती है तो आपको गर्व फील होता है, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि अगर हर राज्य में ऐसा व्यवस्था हो तो हर राज्य और देश का विकास हो सकता है, और नीतीश जी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें गरीब अमीर सारे लोग आ रहे हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी आ रहे हैं, और अच्छा भी लगता है और गौरवान्वित फील हो रहा है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अगर जनता के लिए अगर ऐसा काम कर रहे हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी बात है, और इनके काम से तो हम लोग काफ़ी खुश हैं, बिकॉज ये जो भी काम किए हैं सही है। तो मुख्यमंत्री के जो कार्यों से खुश हैं नंदलाल जी, ये बिहार के जिलों से, कई जिलों से लोग आते हैं, और उनको खास करके आपको बता दो कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम जो जनता दरबार का होता है उसमें जिलों से अलग अलग लाए जाते हैं, उनको समारणालय में नाश्ता कराया जाता है, और ख़ास करके सरकार की जो गाड़ी है लग्जूरियस जो कहा जाता है इनोवा से, उनको मुख्यमंत्री कार्यालय तक लाया जाता है और अंदर जा कर के उनकी शिकायत को खुद मुख्यमंत्री सुनते हैं और
जो कहा जाए आधिकारिक तौर पे जो अधिक मतलब जो अधिकृत तौर पे जो अधिकारी हैं उनको कहा जाता है कि जल्दी से इनकी समस्या को दूर किया जाए। तो हमारे साथ नंदलाल जी थे जो उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और कहा कि मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम जनता दरबार बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है और भी राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। इस तरह के जो अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए ताकि जनता में एक अलग संदेश जाए। मुख्यमंत्री जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से एक अलग काम कर रहे हैं जनता के बीच, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और खुद अधिकारी को ये कहते हैं कि उनकी समस्या को सुनिए, चाहे जमीन का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो किसी से जुड़ा हुआ, हर एक अधिकारी और मंत्री वहाँ पर मौजूद रहते हैं जनता दरबार में और उनकी समस्या को सुनते हैं। हम लगातार आपको जनता दरबार से हर छोटी से छोटी खबर और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। क्या कुछ हो रहा है जनता दरबार में, अगली वीडियो में फिर आपको हम जल्द ही बताएंगे। धन्यवाद।